नमस्कार, स्वागत है आपका एनबीसी न्यूज पर। आज की टॉप 20 खबरों के लिए मैं हूं आपके साथ रत्नाकर। दिल्ली के किशनगढ़ थाने में तैनात महिला कांस्टेबल ने सुसाइड कर लिया। सोमवार सुबह पुलिस को सूचना मिली कि महिला कांस्टेबल ने अपने घर पर फांसी लगाकर जान दे दी है। उत्तर प्रदेश के देवरिया में बड़ी दुर्घटना हुई है। यहां गोली मारकर एक ही परिवार के 6 लोगों की हत्या कर दी गई है। विवाद जमीन को लेकर था। घटना रुद्रपुर थाना क्षेत्र के निकट फतेहपुर गांव की है। दिल्ली में ISIS का संदिग्ध आतंकी गिरफ्तार हुआ है। NIA का मोस्ट वांटेड आतंकी शाहनवाज उर्फ शेफी उज्जमा को दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने पकड़ा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजघाट पहुंचकर महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित की है। पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की 119वीं जयंती पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में विजय घाट पहुंचकर उनको पुष्पांजलि अर्पित की। स्पेन के मार्सिया के नाइट क्लब में आग लग गई है। इस हादसे में कम से कम 13 लोगों की मौत हो गई। मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के चेक पोस्ट पर BMW कार की चपेट में आने से CISF अधिकारी राहुल सुरेश शर्मा गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। कार में सवार 5 लोगों को सोहा थाने के हवाले कर दिया गया है। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में 1 लाख के इनामी कमांडर सहित 5 नक्सली गिरफ्तार हो गए हैं। केंद्रीय जांच ब्यूरो ने मणिपुर में हिंसा से संबंधित मामलों की चल रही जांच में 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। शाहरुख खान के साथ रईस फिल्म में नजर आई पाक एक्ट्रेस मायरा खान दूसरी बार शादी के बंधन में बंध गई हैं। एक्ट्रेस ने अपने बॉयफ्रेंड सलीम संग दूसरी शादी की है। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना ने लोकसभा चुनाव की तैयारियां शुरू कर दी है। राज ठाकरे ने लोकसभा चुनाव को लेकर मनसे नेताओं की एक बैठक बुलाई है। BBA के अध्यक्ष प्रकाश आम्बेडकर ने कहा है MVA मोर्चे को लेकर कुछ स्पष्ट नहीं है, इसलिए चुनाव की घोषणा के बाद असमंजस से बचने के लिए सभी सीटों पर चुनाव लड़ने का फैसला लिया गया है। मुख्यमंत्री शिंदे ने विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय कार्य करने वाले हस्तियों को मराठवाड़ा भूषण और मराठवाड़ा रत्न पुरस्कारों से सम्मानित किया। महाराष्ट्र के CM एकनाथ शिंदे लंदन और जर्मनी का दौरा करने वाले थे, जो दौरा अब रद्द हो चुका है। आदित्य ठाकरे का कहना है कि इस दौरे को लेकर कोई एजेंडा नहीं बनाया गया था। महाराष्ट्र में NCP के अंदर पार्टी सिंबल की लड़ाई चुनाव आयोग तक पहुंच गई है। ECI इस मामले में 6 अक्टूबर को सुनवाई कर सकता है। कंगना रनौत जल्द ही फिल्म तेजस में नजर आने वाली है। इस फिल्म में एक्ट्रेस एयरफोर्स पायलट के रोल में दिखने वाली है। सोमवार को फिल्म का टीजर रिलीज कर दिया गया है। वरुण शर्मा, पुलकित सम्राट, ऋचा चड्ढा और पंकज त्रिपाठी स्टार फिल्म फुकरे 3 लोगों को काफी प्यार मिल रहा है। फिल्म कमाई के मामले में बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त कमाल दिखा रही है। रिलीज होने के 25 दिन बाद भी शाहरुख खान की फिल्म जवान का जलवा बॉक्स ऑफिस पर बरकरार नजर आ रहा है। 4th रविवार को भी इस फिल्म ने अच्छी कमाई की है। इसके बाद अब ये फिल्म इंडियन बॉक्स ऑफिस पर 600 करोड़ के क्लब में शामिल हो गई है। भारत ने स्क्वैश में जीत हासिल कर ली है। अनाहत और अभय सिंह ने ग्रुप स्टेज के 3रे मुकाबले में जीत दर्ज की। अनाहत और अभय ने मिक्स डबल्स के मुकाबले में 2-0 से ये जीत हासिल की है। भारतीय महिला एथलीट विथ्या रामराज ने कमाल कर दिया है। उन्होंने 400 मीटर हर्डल्स में नेशनल रिकॉर्ड की बराबरी कर लिया। ये रिकॉर्ड लीजेंड PT उषा के नाम दर्ज है। ये थी आज की टॉप 20 खबरें। खबरों का सिलसिला NBC न्यूज पर यूं ही लगातार चलता रहेगा। बने रहिए हमारे साथ NBC न्यूज पर। नमस्कार।